हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बिहार DLED के प्रथम वर्ष के पेपर F1 से लेकर F12 के सारे प्रश्न को बताने वाले हैं, जो कि 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं, इसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। एक ही वीडियो में जो है आपको टोटल F1 से लेकर F12 पेपर के जो है सभी प्रश्न को बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग बने रहेंगे, सारे प्रश्न को जो है आप लगाएंगे, सारे प्रश्न को आप रट कर ही जो है एग्ज़ाम में जाएंगे, तो आपका एग्ज़ाम जो है बेहतर जाएगा। क्योंकि बिहार DLED के एग्ज़ाम में जो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं, तो इसलिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लाए, तो इसलिए जो है 2019, 20 और 21 तीन वीडियो के माध्यम से जो है आपको तीनों सेशन का जो है फर्स्ट ईयर के प्रश्न को जो है दिया जाएगा, साथ ही साथ सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए भी जो है प्रश्न दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम पेपर F1, जो आपका सब्जेक्ट कोड F1 है, इस पेपर की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है आपका देखिए पढ़ना है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, यह 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आपको टोटल जो होते हैं प्रश्नों की संख्या 11 पूछे जाते हैं, और आपका जो होता है जो टोटल मार्क्स होता है वो आपका 70 नंबर होता है। घंटा आपको 3 घंटा दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम ये इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा चला जाएगा। आपको मैं बता दूं, इंस्ट्रक्शन यही है दो इंपॉर्टेंट जो कि मैं आपको बता ही देता हूं कि खंड ए में जो होता है, मतलब क में होता है 6 प्रश्न होते हैं, जिसमें से जो होता है आपको 5 अंक दिया जाता है और प्रत्येक प्रश्न को जो है उत्तर देना होता है। प्रत्येक में जो है 2-2 प्रश्न होते हैं, कि नहीं एक प्रश्न का आपका उत्तर देना होता है। नेक्स्ट आपका आता है खंड ख, इसमें आपको 5 प्रश्न होते हैं, इसमें से जो है 200 से 250 वर्ड में देने होते हैं, 10 अंक का होता है, जिनमें से जो है केवल 4 प्रश्न का ही उत्तर देना होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ जितना वर्ड लिखा होता है उससे ज़्यादा ही आंसर आपको लिखने होते हैं। तो अब हम बात कर ले F1 क्वेश्चन का 2019 में क्या पूछा गया था। तो खंड ए में देख ले, पहला प्रश्न था बच्चों के समाजीकरण में उनके माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण स्पष्ट करें। बच्चों के समाजीकरण में माता पिता की भूमिका को महत्वपूर्ण क्यों है, इसको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है आपका बाल अधिकार के बारे में चर्चा करें, प्रमुख बाल अधिकार के बारे में चर्चा करें। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न, प्राथमिक एवं द्वितीय स्तर के समाजीकरण को उदाहरण के साथ स्पष्ट करें, जो आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो स्टेज होता है सोशलाइजेशन का, उसके आपको जो है उदाहरण के साथ मतलब व्याख्या करना है। इसी में इसका 8वां प्रश्न था बच्चों के समाजीकरण में उसके परिवेश और पड़ोस की भूमिका को समझाइए। आप प्रश्न को लिखते जाएंगे, देखते जाएंगे, इसी तरह के प्रश्न जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों के समाजीकरण में परिवार के पालन पोषण की शैली किस प्रकार प्रभावित करती है, समझाएँ। ये प्रश्न 3rd नंबर था, बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में विद्यालय की भूमिका को समझाएं, यह आपका इसी का 8वां प्रश्न था। नेक्स्ट है समाजीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को उल्लेख करें, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के उल्लेख करें। इसी में जो है 8वां क्वेश्चन था, ज्योतिबा फुले अपने आलेखों में प्रमुखता के किन किन मुद्दे को उठाया है, वर्णन करें, ये प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका 5 नंबर प्रश्न है सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करिए। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर साल पूछा जाता है। विद्यालय के अंदर और बाहरी ज्ञान को गहरा जुड़ाव है कैसे, इसके बारे में आप बताएं। मैं आपको बता दूं कि जो गेसिंग पेपर हुई है उसमें सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर। जो बच्चों को 3 वर्ष का पेपर चाहिए उनको जो है गेस पेपर को देखना जरूरी है, फिर भी मैं 2019 के पेपर को पूरा क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आप देख ले, 6 नंबर प्रश्न पूछा गया था पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। इसी में 8वां प्रश्न था कि बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा BCF 2008 बोलते हैं, इसके मार्गदर्शन सिद्धांतों का वर्णन करें। इसमें क्या कहा गया था, मतलब कि बच्चों को किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, इसके ऊपर इसमें व्याख्या करना है। अब आते हैं सेक्शन बी में, जिसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 दिए होते हैं लेकिन आपको टोटल जो है 4 ही क्वेश्चन के उत्तर देने होते हैं। तो पहला इसमें पूछा गया था शिक्षा नए समाज बनाने की प्रक्रिया है, वर्णन करें, शिक्षा नए समाज बनाने की प्रक्रिया है, वर्णन करें। नेक्स्ट है विद्यालय में बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में उनके शिक्षकों की भूमिका का उदाहरण सहित वर्णन करें, विद्यालय में जो है बच्चों के समाजीकरण प्रक्रिया में उनके शिक्षक की क्या भूमिका है, उदाहरण के साथ जो है आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर कि शिक्षा पुस्तक के माध्यम से कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कैसी विशेषता वाली शिक्षा की कल्पना की है, वर्तमान संदर्भ में इसकी
प्रासंगिकता पर विचार करें, मतलब जो शिक्षा पुस्तक के जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है उसमें कैसी विशेषता वाली शिक्षा की कल्पना की है, वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर जो है व्याख्याता मतलब उसको विचार करें। नेक्स्ट है, आज के प्रतियोगी समय में उच्च अंक लाने के लिए दबाव को आप कैसे किस तरीके से समझते हैं या किस प्रकार के बालक पर मानसिकता दबाव बनाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये 10 नंबर प्रश्न था। 11 नंबर प्रश्न क्या होता है कि किन्हीं दो को लिखना होता है टिप्पणी, यहाँ पर आपको दिए रहेंगे, जैसे जे कृष्णमूर्ति राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, फिर यहाँ पर मारिया मोंटेसरी, और यहाँ पर नहीं होगा, खत्म हो गया। यही प्रश्न आपके जो है पेपर वन में पूछा गया था, F1 में, ये आपका हो गया 2019 का पेपर था जो कि F1 में पूछा गया था। अब हम F2 को देख लेते हैं। तो F2 प्रश्न में जो है आपको पढ़ना है क्या, बचपन और बाल विकास के बारे में F2 में। इसमें भी जो है वही आपका पैटर्न है, 70 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं। तो यहाँ पर जो है सेक्शन ए में जो है 6 प्रश्न पूछे गए थे, मतलब 6 का मतलब 12 प्रश्न, क्योंकि हर एक प्रश्न के नीचे अथवा प्रश्न दिया रहता है। तो यहाँ पर सेक्शन ए देख ले, पहला प्रश्न था कि बाल विकास से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों का जो बाल विकास होता है उसे क्या समझते हैं, उसके बारे में लिखना था। बाल विकास के विभिन्न आयामों के बारे में चर्चा करें, जो डायमेंशन है बाल विकास के विभिन्न आयाम उसके बारे में आपको चर्चा करना है। सेकंड प्रश्न इसी का अथवा में था। सेकंड प्रश्न पूछा गया था शैशव अवस्था की आयु काल क्या है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है स्पष्ट करें। तो शैशव अवस्था काल आपको मालूम है कि 0 से 3 वर्ष का होता है। इसकी मुख्य विशेषता यही है कि इसमें चूसने की प्रवृत्ति होती है, किसी भी बात के लिए वो अपने रोकर व्यक्त करके दूसरे को बताता है, ये सब इसका आती है। उत्तर बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं का कौन कौन सी है उसके बारे में लिखना है, उत्तर बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता कौन कौन सी है उसके बारे में लिखना, इसी का अथवा प्रश्न था। 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न पूछा गया था, शिक्षक को बालक विकास की समझ जो है क्यों आवश्यक होनी चाहिए, शिक्षक को जो है बालक शारीरिक विकास की समझ क्यों आवश्यक है स्पष्ट करें। कोई भी शिक्षक के लिए जो है बालक के शारीरिक विकास से जुड़ी हुई जानकारी क्यों ले रखना चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के अनुसार से शिक्षक जो है बच्चों को विकास दे सकते हैं, विकास करवा सकते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पर साल ये पूछा जाता है, प्रत्येक 3 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आपका है सृजनात्मकता से क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाई क्रिएटिविटी, इसके बारे में आपको पता है किसी भी बच्चों के अंदर जो है क्रिएटिविटी तौर पर किस तरह आती है, किसी चीज़ का निर्माण करना अपने अनुसार से, खेलने में बहुत सारे रूल रेगुलेशन का निर्माण करना, ये सब जो होता है क्रिएटिविटी आता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, 4 का अथवा प्रश्न में, तो यहाँ दिया है सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारण क्या है, तो इसका हो जाएगा वातावरण, परिवार, परिवेश, मित्र, ये सभी जो आ जाएंगे इसमें इसको प्रभावित करने वाले बच्चों के क्रिएटिविटी को। अगर बच्चा कुछ तैयार करता है उसको आप नकार देंगे कि अच्छा नहीं है, तो बच्चे के अंदर क्या होगा, हीन भावना उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट आपका 5वां प्रश्न है, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में खेल को महत्व स्पष्ट करें, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। खेल के विविध प्रकारों का वर्णन करें, इसका अथवा प्रश्न था। 6वां प्रश्न पूछा गया था, व्यक्तित्व से क्या समझते हैं इसको परिभाषित करें, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी, इससे आप क्या समझते हैं इसको आपको जो है डिफाइन करना था। नैतिक विकास आज के परिप्रेक्ष्य की मांग है, इस दृष्टिकोण पर आपका विचार क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट देखते हैं आप सेक्शन बी की तरफ, ये आपका पेपर 2 है। तो सेक्शन बी में जो है बोला गया था, पहला 7वां प्रश्न पूछा गया था, लॉन्ग क्वेश्चन, बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कौन कौन से कारक हैं, कक्षाई अनुभव के संदर्भ में स्पष्ट करें। बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कौन कौन से कारक हैं, कक्षाई अनुभव के आधार पर आप व्याख्या करें, उसके बारे में लिखें। नेक्स्ट है खेल के किसी एक सिद्धांत का वर्णन करें, खेल के ऊपर बहुत सारे सिद्धांत हैं, उसके बारे में आपको वर्णन करना है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, इसको देख लेंगे आप अच्छे से। फिर आपका 9 नंबर प्रश्न है, मनोगत्यात्मक कौशल से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में वर्णन करें। मनोगत्यात्मक जो साइकोमोटर स्किल होता है इससे क्या अभिप्राय है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। और 10 नंबर में जो है किन्हीं दो पर टिप्पणी करना था, जैसे पहला आता था अनुवांशिकता जो कि जन्म से पहले की होती है, जैसे अगर मान लें किसी माता पिता में किसी तरह की बीमारी है तो वो बच्चों में भी आ जाती है, सकारात्मक बीमारियाँ। फिर अवलोकन विधि क्या है, बच्चे और खेल क्या है, बच्चों के माध्यम खेल क्यों जरूरी है, खेल के माध्यम से बच्चों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, संवेगात्मक, भावनात्मक सभी पक्षों का जो है विकास होता है, इसलिए जो है जरूरी है। तो यह प्रश्न जो है आपका F2 पेपर में पूछा गया था। अब हम चलते हैं F3 पेपर की तरफ। F2 पेपर में एक और प्रश्न यहाँ पर है, बाल के संवेगात्मक विकास से क्या समझते हैं बालक के, और जॉन बॉलबी के प्रतिपादित लगाव के सिद्धांत पर प्रकाश डालें। जॉन बॉलबी के जो प्रतिपादित जो लगाव के सिद्धांत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे देख ही लेंगे, ये भी प्रश्न जो है पर साल पूछा जाता है। अब हम चलते हैं F3 पेपर के ऊपर। तो F3 पेपर में जो है आपको पढ़ना है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के बारे में, ये भी आपका 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है, इसमें भी 3 घंटे मिलते हैं, टोटल आपके 11 प्रश्न होते हैं, जिसमें 6 आपका शॉर्ट और ऊपर से आपका जो है 5 लॉन्ग हो जाते हैं अप्रॉक्स। आगे चलते हैं इस प्रश्न के देखते हैं।
इसमें सेक्शन ए में प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया था कि ECCE पाठ्यचर्या में मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट करें। जो ECCE होता है अर्ली चाइल्ड कैरिकुलम एजुकेशन, इसमें जो होता है आपका पाठ्यचर्या के मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट करना था, यह पहला प्रश्न पूछा गया था। इसी में अथवा प्रश्न था कि बाल विकास के विभिन्न आयामों की व्याख्या करें। बाल विकास के विभिन्न आयामों की आपको जो है व्याख्या करनी थी, ये आपका सेकंड प्रश्न था, मतलब इसी का अथवा प्रश्न सेकंड नंबर प्रश्न था। ECCE पाठ्यचर्या को लागू करने में विद्यालय की भूमिका को स्पष्ट करें, मतलब जो ECCE कैरिकुलम होता है इसको लागू करने में विद्यालय की भूमिका का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताना था, इसका प्रश्न सेकंड था। इसी में आपका अथवा प्रश्न यहाँ पूछा था कि ECCE पाठ्यचर्या को लागू करने में शिक्षक की भूमिका क्या है, वर्णन करें। ECCE पाठ्यचर्या को लागू करने में विद्यालय की भूमिका, शिक्षक की भूमिका, सहायक शिक्षक की भूमिका, ये सब आपसे प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका तीन नंबर प्रश्न पूछा गया था, 2019 का मैं प्रश्न करवा रहा हूँ। गतिविधियों के आयोजन के लिए विभिन्न विधियों प्रक्रियाओं के चयन का आधार क्या हो सकता है, गतिविधियों के आयोजन के लिए जो है विभिन्न विधियाँ प्रक्रियाओं के चयन का आधार क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। इसी में आपका अथवा प्रश्न था, कक्षा में आप विकासानुकूल बाल केंद्रित प्रक्रिया का निर्माण कैसे करेंगे, कक्षा में जो है विकासानुकूल बाल केंद्रित शिक्षा का प्रक्रिया का जो है निर्माण कैसे करेंगे, मतलब हाउ टू डेवलप ए फ्रेंडली चाइल्डहुड सेंटर प्रोसेस इन क्लासरूम, मतलब कक्षा में जो है शांत माहौल में बाल केंद्रित प्रक्रिया का निर्माण कैसे करेंगे। तो बहुत सारी गतिविधियाँ का प्रयोग करके बच्चों के अनुरूप पढ़ाकर बाल केंद्रित शिक्षा का जो है प्रक्रिया का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका चार नंबर प्रश्न पूछा गया था, प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल गतिविधियों का आयोजन क्यों महत्व है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था में खेल जो गतिविधियाँ होती है इसका आयोजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे जो है बचपन में खेल के माध्यम से ही एक दूसरे के सांस्कृतिक स्वभाव, इस एक दूसरे के संवेगात्मक नैतिक से, मतलब जितने भी पक्ष होते हैं वो सर्वांगीण विकास उनका होता है। इसलिए जो है बचपन में, प्रारंभिक बचपन में खेल गतिविधियाँ होना बहुत ही आवश्यक है, उनका जरूरी भी है। इसी में अथवा प्रश्न पूछा गया था, सूक्ष्म एवं स्थूल गति कौशल के मध्य अंतर स्पष्ट करें, सूक्ष्म एवं स्थूल गति कौशल के मध्य जो है अंतर स्पष्ट करें, ये पूछा गया था। इसी में पांच नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो पांच नंबर प्रश्न पूछा गया था, प्रारंभिक वर्षों में भाषा विकास की प्रक्रिया क्या है स्पष्ट करें, प्रारंभिक वर्षों में भाषा विकास की प्रक्रिया क्या है इसको आपको स्पष्ट करना था। इसी में इसका अथवा प्रश्न पूछा गया था, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बच्चों के प्रगति जानने के पूर्व उनकी क्षमताओं की जरूरी है कैसे, प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है शिक्षा में बच्चों की प्रगति जानने से पूर्व उनकी क्षमताओं का आकलन जरूरी है कैसे। मैं आपको बता दूं कि मैं जहां वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आसपास बहुत सारी चिड़िया जो है यहां पर चहक रही है, जो कि काफ़ी अच्छा नज़ारा है, शांत माहौल है। छः नंबर प्रश्न यहां पर है, विद्यालय में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौती क्या है, विद्यालय में जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसकी चुनौतियाँ क्या है। मैं आपको बता दूं कि जब बच्चे छोटे विद्यालय में जाते हैं तो किस प्रकार की चुनौतियाँ जो है शिक्षक के तौर पर आपको झेलना पड़ता है उसके बारे में आप लिख देंगे, आपका आंसर सटीक होगा। मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका बेहतर नंबर आ जाएंगे, क्योंकि डीएलएड के एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपके पास समय कम है, आप ज़रूर पढ़े अच्छे से, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कमेंट देखता हूँ कि आंसर दे दें, मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा सकूं, लेकिन मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि जितना मदद बन सके मैं उतना कर सकूं आप सभी लोगों के लिए। आगे चलते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट इसी में अथवा प्रश्न है, राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा 8 वर्ष तक विस्तार कर देने का अर्थ क्या है। पहले इस कम था लेकिन अब जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को जो है 8 वर्ष तक विस्तार करने का जो है अर्थ क्या है इसके बारे में बताना है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रीवियस 3 वर्षों से पूछा जा रहा है, 19 में पूछा गया है, 20 में और 21 तीनों में वर्ष में जो है ये पूछा गया प्रश्न है। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न को देखते हैं। अब आगे आपका लॉन्ग प्रश्न जिसमें 4 प्रश्न करने होते हैं। पहला आपका 7 नंबर प्रश्न है, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा बच्चों के भावी जीवन का प्रभावित करता है कैसे विवेचना करें। जो गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा होता है वो बच्चों के भावी जीवन का प्रभावित करता है कैसे करता है इसके बारे में आपको विवेचना करना है। वीडियो लंबी बनेगी इसलिए मैं थोड़ी तेज़ी से बोल रहा हूँ ताकि कम जो है मिनट का वीडियो बन पाए, नहीं तो ऐसे लंबा वीडियो चला जाएगा। नेक्स्ट है जो कि आप सभी को देखने में मन नहीं लगेगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से क्या अभिप्राय है। यदि शाला पूर्व केंद्र में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आते हैं तो ऐसे में देखभाल कार्यकर्ता की भूमिका क्या होगी, मतलब किसी विद्यालय में अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आते हैं तो वहाँ पर उनके देखरेख वाले कार्यकर्ताओं की भूमिका जो है कैसी होगी उसके बारे में आपको बताना है, कि रोल ऑफ चाइल्ड्स वर्कर के बारे में जो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में विद्यालय तत्परता के अकाडमिक और सामाजिक संस्थाओं की अपेक्षा क्या है, इसे क्या अपेक्षा है इसके बारे में आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं तो 10 नंबर आपका यहाँ प्रश्न है कि
प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बच्चों की प्रगति से संबंधित अभिलेखों का संधारण क्यों आवश्यक है एवं आप उसे कैसे संधारित करेंगे इसके बारे में आपको बताया गया है। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा है उसमें बच्चों की जो प्रगति का जो भी संबंधित अभिलेख हैं उनके संधारण क्यों आवश्यक है और आप कैसे करेंगे इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं तो आगे जो है आपको पता है कि 11 नंबर प्रश्न जो लास्ट वाले प्रश्न पूछे आते हैं उसमें जो है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोलते हैं, जो कि आपको प्रोजेक्ट विधि, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों की भाषाई ज्ञान, बच्चा कैसे सीखते हैं, कक्षा में प्रदर्शन सामग्री, TLM के बारे में पूछ रहा है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसके बारे में। अब हम चलते हैं A4 पेपर के ऊपर जिसमें आपको पढ़ना है विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास के बारे में, जो कि आपका 70 नंबर का होता है, ये भी 3 घंटे का होता है। टोटल आपका 11 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं प्रश्न के ऊपर A4 पेपर में। तो पहला प्रश्न यहाँ पर जो है आपको सेक्शन ए में पूछा गया हुआ है कि विद्यालय प्रबंधन से संबंधित दस्तावेज क्या क्या होते हैं। विद्यालय प्रबंधन से संबंधित जो है क्या क्या दस्तावेज होते हैं, आप सभी लोग गए होंगे ACP 1 में तो पता होगा कि आप लोगों को विद्यालय प्रबंधन से संबंधित जो है बहुत सारे दस्तावेज देखे होंगे, मिड डे मील दस्तावेज, बच्चों का अटेंडेंस शीट, आपका अटेंडेंस शीट, टीचर का अटेंडेंस शीट, मेंटेनेंस शीट, ये सभी जो भी दस्तावेज देखे होंगे उसी के बारे में आपको इसमें लिखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगातार पूछा जाता है ये प्रश्न। विद्यालय की कार्य संस्कृति में बच्चा क्या क्या सीखता है, विद्यालय के कार्य संस्कृति में बच्चा जो होता है अपने संस्कृति को जानता है, अपने समाज के विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोगों के संस्कृति, व्यवहार, रीति रिवाज, रहन सहन उसके बारे में जानता है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। नेक्स्ट अब दोनों प्रश्न देखते हैं। तो दो नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि विद्यालय में समावेशी शिक्षा की व्यवस्था के लिए आप क्या करेंगे। अगर विद्यालय में आपको समावेशी शिक्षा की व्यवस्था लागू करनी है, सभी को एक समान शिक्षा, एक वर्ग में बैठाकर किसी प्रकार की बिना भेदभाव किए शिक्षा देने की बात कहनी है, उसको लागू करना है, तो कैसे करेंगे उसके बारे में आपको विवेचना करना है, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपको प्रश्न इसी में, अथवा शिक्षा प्रक्रिया में सूचना एवं संचार तकनीकी की क्या उपयोगिता है। आप सभी को पता है कि आधुनिक समाज में अभी क्या है, आधुनिक शिक्षा में क्या है कि ICT का प्रयोग जो है काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, तो शिक्षा में जो है सूचना एवं संचार तकनीकी की आवश्यकता जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए जो है हमें नेट और सूचना ICT की मदद चाहिए ताकि हम अपने कार्य को आसानी से और बेहतर तरीके से कर सकें। इसीलिए जो है शिक्षा में भी जो है ICT की मदद काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि शिक्षक के मार्कशीट बनाने के लिए, शिक्षक के अटेंडेंस बनाने के लिए, बच्चों के मार्कशीट बनाने के लिए, बहुत सारे विभिन्न गतिविधियाँ, विभिन्न कार्यक्रम के लिए शिक्षा में जो है ICT की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। इसी में जो है नेक्स्ट आपका 3rd नंबर प्रश्न है, परंपरागत शिक्षण और बाल केंद्रित शिक्षण में अंतर स्पष्ट करें। जो पुराने जमाने में जो है ट्रेडिशनल टीचिंग और जो आपका सेंटर टीचिंग होता है, चाइल्ड सेंटर टीचिंग, बाल केंद्रित शिक्षण क्या है कि बच्चों के द्वारा जो है बच्चों के अनुरूप जो है पढ़ाया जाता है, लेकिन परंपरागत शिक्षण में क्या होता था कि कुटी में बैठा कर पढ़ाते थे, शिक्षक पढ़ाते थे, चले जाते थे, बच्चों को समझ में आया या नहीं आया उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी जो है बाल केंद्रित शिक्षण हो गया है, बच्चों को समझ में आना जरूरी है और आना आया कि नहीं आया इसकी जाँच भी करनी जरूरी है। ये सभी चीज़ें जो है इसमें आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसी में अथवा प्रश्न है, पाठ्य सामग्री सामग्री क्रियाएं सर्वांगीण विकास में सहायता है कैसे, इसके बारे में आपको लिखना है। 4 नंबर प्रश्न है, शिक्षक के विकसित विकास में सहकर्मियों शिक्षक की भूमिका क्या होती है, आपको बताना है। को पार्टनर टीचर्स इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, आपको बताना है कि शिक्षक के विकसित विकास में सहकर्मी शिक्षकों की क्या भूमिका है। आगे बढ़ते हैं, अब आपके आगे अथवा प्रश्न इसी में दिया गया है, विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था के प्रमुख आयामों की चर्चा करें। नेक्स्ट आपका 5वां प्रश्न है, बाल संसद के कार्यों का उल्लेख करें। आप सभी लोगों ने मालूम होगा कि ACP 1 में गए होंगे तो बाल संसद के कार्य के बारे में, उसके बारे में आप लिखे होंगे, नोट्स भी मिला होगा, वीडियो भी है, आप जाकर देख लेंगे, लिखा जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है संरचनात्मक उपागम से आप क्या समझते हैं, संरचनात्मक उपागम से आप क्या समझते हैं, समझाइए। व्हाट डू मीन बाई कंस्ट्रक्टिविटल अप्रोच के बारे में, वो मतलब मेथड के बारे में बताना है आपको। जिले इसके बारे में लिख लेंगे आप, जिला के अंतर्गत शैक्षिक संस्थाओं के बारे में वर्णन करें। जिला के अंदर जो है जो भी शैक्षिक संस्थाएं हैं उसके बारे में आपको वर्णन करना है, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट इसी का अथवा प्रश्न है, राज्य स्तरीय शैक्षिक संस्थाओं के बारे में उल्लेख करें। जिला का, राज्य का, सर्व शिक्षा अभियान, फिर आपका आ गया BRC, NCERT, BSB, सब देख लेंगे। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। अब इसी में जो है 2019 में पूछा गया था A4 पेपर में, ये आपका लॉन्ग प्रश्न, कि विद्यालय की संरचना और कार्य का उल्लेख कर, विद्यालय की संरचना कैसी होनी चाहिए और उसकी उसका उल्लेख करना है, उसके बारे में आपको बताना है उसके कार्यों का। नेक्स्ट आपका 8 नंबर है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, सॉरी फॉर डैट, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, प्यास आती है, लग जाती है बोलते बोलते।
शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर नेक्स्ट है आपको बच्चों में आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता के बारे में आपको बताना है। बच्चों में आपदा प्रबंधन के जागरूकता के बारे में आपको बताना है। ये आपको प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको यहाँ 10 नंबर प्रश्न मिल जाएगा लॉन्ग का, जिसमें जो है सीखने की योजना लर्निंग प्लान के निर्माण करने और क्यों आवश्यक है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है आपका हिंदी किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखे, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, संकुलन संसाधन, मीना मंच, बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड, ये सभी के बारे में जो है 2019 में प्रश्न पूछा गया था, जो कि आपके सिलेबस पर आधारित है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा। अब आते हैं F5 पेपर में, इसमें आपको पढ़ना है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। इसमें 35 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें आपका 2 घंटा होता है और इसमें जो है टोटल आपका 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। 7 में जो है आपके 5 प्रश्न जो होते हैं आपके शॉर्ट होते हैं और 6 और जो आपके 2 प्रश्न होते हैं लॉन्ग होते हैं, लेकिन एक ही प्रश्न लॉन्ग होता है और यहाँ पर 6 प्रश्न आपके शॉर्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था पहला कि भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था स्पष्ट करें। भाषा जो है प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है उसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, लगातार 2 वर्षों से पूछा जा रहा है। यदि स्वर्ण ध्वनि के लिए भी तथा व्यंजन ध्वनि के लिए सी माने तो शब्दों की ध्वनि संरचना CVCV का क्या तात्पर्य है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करिए। कंसोनेंट भवेल के उदाहरण के द्वारा जो है आपको स्पष्ट करना है। तो इसके ऊपर जो है सर ने बहुत सारा वीडियो बनाया है, जो कि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर है भाषा संप्रेषण का माध्यम होने से पहले समझ का माध्यम है कैसे। भाषा संप्रेषण होने से माध्यम से पहले समझ का माध्यम है कैसे, इसके बारे में आपको बताना है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी में अथवा प्रश्न पूछा गया था भाषा की विशेषताओं को लिखिए। भाषा के विशेषताओं को जो है आपको लिखना है, भाषा के विशेषताओं को आपको लिखना है। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न यह आता कि क्या भाषा यादृच्छिक प्रतीकों की संघटना है, स्पष्ट करें। क्या भाषा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भाषा तथा लिपि अंतर संबंध पर प्रकाश डालें। भाषा तथा लिपि के अंतर संबंध पर प्रकाश डालें। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या महत्व है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट आप इसी में प्रश्न है आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्णन करें। आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्णन करना है, जितने भी आधुनिक भाषाएं हैं उनके बारे में आपको वर्णन करना है। इसी में अथवा प्रश्न पूछा गया था। फिर इसी में 5वां प्रश्न है भाषा के लिपियां का वर्णन करें। भाषा के जितनी भी लिपियां हैं उसके बारे में वर्णन करना है। और इसी में अथवा प्रश्न था भाषा के आधारभूत कौशल पर प्रकाश डालें, जैसे लिखना सुनना बोलना पढ़ना ये जो होता है क्रमबद्ध में उसके बारे में आपको लिखना है। भाषा कैसे सीखी जाती है या बोली जाती है सुनी जाती है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट इसी में जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 2 प्रश्न होंगे, जिसमें से केवल आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देने होते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा कैसे सीखते हैं इसके बारे में, और निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखे। तो इसमें मातृभाषा, विषय के रूप में भाषा, माध्यम के रूप में भाषा, ये 3 दिए हुए, इसमें से 2 आपको लिखने होते हैं, जो कि आपका पेपर F5 पेपर है, जो कि आपका 35 नंबर का होता है। अब हम चलते हैं F6 पेपर के ऊपर। तो F6 पेपर में जो है शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें जो है टोटल 35 नंबर के एग्जाम होते हैं, 2 घंटे होते हैं, टोटल आपका 7 प्रश्न होते हैं, जिसमें 6 प्रश्न शॉर्ट होते हैं और 1 प्रश्न जो होते हैं आपके लॉन्ग होते हैं। चलते हैं देखते हैं प्रश्न को। तो यहाँ जो है पहला प्रश्न पूछा गया था कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं आवश्यकता क्या है, संक्षिप्त में वर्णन करें। समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है वो आवश्यकता है क्या है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। इसी में अथवा प्रश्न था कि समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रवृत्ति एवं प्रक्रिया पर प्रकाश डालें, इसके बारे में 2nd प्रश्न था। नेक्स्ट इसमें 2 नंबर प्रश्न था जेंडर से तात्पर्य क्या है, जेंडर विभेद से आप क्या समझते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से, तो इसके बारे में आपको लिखना था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी का अथवा प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर कि शिक्षा व्यवस्था एवं विद्यालय के प्रचलित जेंडर विभेद कक्षाई प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती है। शिक्षा व्यवस्था एवं विद्यालय के प्रचलित जेंडर विभेद जो होता है कक्षाई प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है आपको क्या एक शिक्षक को अपने कक्षा में विविधताओं के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है, स्पष्ट करें। क्या एक शिक्षक को जो है अपने बच्चों के प्रति या संवेदनशील होना आवश्यक है, स्पष्ट करें, इसके बारे में आप बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न इसी का अथवा प्रश्न देख लेते हैं जो पूछा गया था। इसका अथवा प्रश्न यही था कि क्या
सॉरी, आप अपनी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं? अपनी कक्षा में जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए किस किस तरीके से जो है आप पहचान सकते हैं कि ये बच्चा जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं? तो बहुत सारे आइडेंटिफाइज, जिसे सुनने में दिक्कत हो, जिनसे बोलने में दिक्कत हो, जिसे लिखने में दिक्कत हो, ये सभी बच्चे जो होते हैं, ये जो सबसे ज़्यादा तेज भी हो, ये सभी बच्चे जो होते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न इसमें है कि समाज को समतामूलक बनाना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्यों है? समाज को जो है समतामूलक बनाना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्यों है, इसके बारे में ये प्रश्न पूछा गया था 2019 में। इसी में अथवा प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में लड़कियों की सामाजिक स्थिति तथा उनकी शिक्षा अनिवार्यता का क्या उद्देश्य है, कि शिक्षा में जो है उनको कितना अनिवार्य है, कि कितना पढ़ाया जाए, कितना उनका सामाजिक स्थिति कैसा है, इसके बारे में आपको पूछा गया था। पाँचवा प्रश्न था कि कक्षा में विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों के सीखने से को लेकर शिक्षक को विशेष योजना बनाने की आवश्यकता क्यों है? कक्षा में जो है विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों को सीखने को लेकर विशेष योजना बनाने के लिए शिक्षक को क्यों आवश्यक है, ताकि अगर किस तरह के बच्चे हैं उनको किस तरह से पढ़ाना चाहिए ताकि वो समझ सके, इसीलिए जो है शिक्षक को जो है अपनी एक योजना बनाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट इसी में अथवा प्रश्न पूछा गया था कि बच्चों के समाजीकरण में जेंडर की भूमिका एवं समुदाय की परिवार की भूमिका का योगदान करें। बच्चों के समाजीकरण में जेंडर, परिवार एवं समुदाय एवं परिवार की भूमिका क्या है? बच्चों के समाजीकरण में जेंडर की भूमिका में समुदाय एवं परिवार की भूमिका क्या है, इसके बारे में आपको बता दें, आप लिख लेंगे। इसी में जो है आपको अब सेकेंड आ गया आपका लॉन्ग प्रश्न, जिसमें पूछा गया था पहला प्रश्न, वर्तमान समाज में स्त्री पुरुष की समानता का महत्व क्या है? वर्तमान समाज में स्त्री पुरुष की समानता का महत्व क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं इसी में प्रश्न, तो इसी में इसका 7 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि आपका जो है किन्हीं दो पर टिप्पणी करें। जैसा पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया था शिक्षा में जेंडर, सेकंड पूछा गया था समावेशी शिक्षा, गांव में पूछा गया था विद्यालय में जेंडर विभेद, और गांव में पूछा गया था हाशिए का समाज। तो ये आपका जो है 2019 में पूछा गया पेपर F6 पेपर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे जो है पेपर F7 के बारे में जानेंगे। F7 पेपर में आपको पढ़ना है गणित का शिक्षण शास्त्र प्रथम प्राथमिक स्तर के बारे में, जिसमें आपका 35 नंबर का एग्ज़ाम होता है। टोटल आपके 2 घंटे समय होते हैं और आपको जो है टोटल प्रश्न और संख्या जो होते हैं 7 दिए होते हैं। तो सेक्शन ए में जो है प्रश्न को देख लेते हैं 2019 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था कि बच्चे गिनती कैसे सीखते हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। आप बच्चे को जो है काउंटिंग को कैसे सिखाएंगे, इसके बारे में आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है कि आप बच्चे को जो है कैसे काउंटिंग को सिखा सकते हैं। तो आपको पता है कि काउंटिंग सिखाने के लिए आप बहुत सारे गतिविधियों का प्रयोग करके बच्चों को सिखा सकते हैं, या शिक्षण सहायक सामग्री के मदद से जो है बच्चों को काउंटिंग सिखा सकते हैं, या ठोस अनुभव के माध्यम से जो है आप बच्चों को काउंटिंग सिखा सकते हैं। ये सभी प्रक्रिया, ये सभी गतिविधियाँ के माध्यम से बच्चों को आप सिखा सकते हैं। इसका आंसर आपको नोट्स में मिल जाएंगे और आप अपने स्तर से जो है नोट्स को तैयार करते रहेंगे और अपने आंसर को तैयार करते रहेंगे। इसी में अथवा प्रश्न पूछा गया था कि गणित की अपनी भाषा और संकेत होते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। गणित की अपनी भाषा और संकेत होते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें। यह आपका सेकंड प्रश्न, मतलब फर्स्ट प्रश्न के अथवा प्रश्न पूछा गया था। अब हम इसके दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि गणित सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों के अनुभव को और महत्व दिया जाना क्यों आवश्यक है? गणित को अगर बच्चों को सिखाना है तो उसके प्रक्रिया में बच्चों को अनुभव के महत्व देना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि बच्चे को मोटिवेशन मिल पाए। क्योंकि जब किसी बच्चे को गणित में किसी प्रकार की त्रुटि होती है, गलती होती है, तो क्या होता है कि वह बच्चे जो होते हैं उनको अगर आप किसी तरह से डांट देंगे, फटकार देंगे, तो वह दोबारा जो होते हैं उसको सही करने में नहीं आते हैं। इसीलिए जो है गणित सिखाने और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो है बच्चों के अनुभव को जो है महत्व देना जरूरी है। अगर बच्चे गलत भी बनाते हैं तो उनको जो है हौसला अफजाई करना बनता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अपने कक्षा के भाग करने की समझ, अपने कक्षा में भाग करने की समझ का विकास किस प्रकार करेंगे, उदाहरण सहित समझाएं। अपने कक्षा में किसी बच्चे को अगर भाग करने का समझ बताना है या भाग करने की समझ के बारे में पढ़ाना है तो आप किस तरह से बताएंगे, उदाहरण सहित जो है आपको स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न जो 3 नंबर था, इसमें पूछा गया था कि कथन गणित हमारे चारों ओर है, अपनी राय व्यक्त करें। जैसे कि प्रश्न आपका यही कि गणित हमारे चारों ओर है, इसके आप अपने ऊपर जो है राय को व्यक्त करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में
हर क्षेत्र में जो है गणित की उपयोगिता है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने समय तक जो है हम लोग गणित की प्रयोग करते हैं और गणित का उपयोग करते हैं, इसलिए जो है यह कथन जो है सत्य है। इसके ऊपर आप विभिन्न तरीकों से विभिन्न उदाहरण के माध्यम से जो है बच्चों को बता सकते हैं। इसी में जो है आपको अथवा प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर कि संख्या में अंकों के स्थायी अंक और स्थानीय मान के उदाहरण के साथ समझाए। बच्चों को अगर संख्या का स्थायी मान और स्थानीय मान के उदाहरण के साथ जो है बताना है, आप किस तरह बताएंगे, आप एक शिक्षक के तौर पर जो है सोचेंगे तो आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 4 नंबर प्रश्न पूछा गया था, बच्चों में सुनने की समझ की अवधारणा विकास के लिए गतिविधियों का निर्माण कीजिए। बच्चों के अंदर जो है सुनने की समझ की अवधारणा विकास के लिए गतिविधि का निर्माण करना है, किस तरह से करेंगे इसके बारे में आपको बताना था। आगे बढ़ते हैं तो इसी में अथवा प्रश्न पूछा गया था कि क्षेत्रफल और आयत की अवधारणा को उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। जो क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, सॉरी आयतन था यहाँ पर, क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को जो है आपको स्पष्ट करना है, उदाहरण के साथ व्याख्या करना है, तो ये आपके प्रश्न है, इसको आप बताएंगे। इसी में आपके 5 नंबर प्रश्न पूछे गए थे कि बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा होती है। जब हम किसी संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो वो जो संख्या होती है वो गुणा का रूप में प्रयोग होता है। जैसे कि 2 + 2 करते हैं तो 4 होता है, इसी तरह अगर हम 2 × 2 कर देंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। इसी तरह जो है आपको उदाहरण देकर जो है इसको स्पष्ट करना है। और ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस 2 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। आप इसे ज़रूर अपने टीचर से या अपने आप इसका आंसर तैयार करेंगे। आगे देखते हैं तो इसी में जो है एक अथवा प्रश्न पूछा गया था कि गणित सीखने और गणित सिखाना केवल गणना करना ही नहीं है, इस कथन के संबंध में अपनी राय को व्यक्त करें। गणित सिखाना केवल गणना ही नहीं है, इस कथन को जो है अपने स्तर से जो है अपनी राय में व्यक्त करके बताना है। तो आपको बता सकते हैं कि क्या गणित सीखना सिर्फ केवल गणना है कि उसे अपने जीवन में, व्यवहार में, अपने प्रतीक में और अपने भावी जीवन में प्रयोग करना भी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेकर रात के सोने समय तक हम हर काम में जो है गणित का प्रयोग करते हैं। चाहे आप किसी भी काम कर ले, सभी में जो है आप गणित का प्रयोग करते ही करते हैं। कितना आपको खाना है, कितना आपको पीना है, कितना क्या करना है, इसमें आपको सब में गणित का प्रयोग करते हैं। कितना करना है ये भी आपको पता है, तो इस तरह से जो है आप गणित का प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में जो है आपके लॉन्ग प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें आपके 2 ही प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न 6 नंबर पूछा गया था कि प्रारंभिक कक्षा में गणित की किन किन अवधारणाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है, वर्णन करें। जो प्रारंभिक कक्षा है, जो आपका जो शुरुआती जो एलिमेंट्री क्लासेस होते हैं, उसमें जो है गणित की किन किन अवधारणाओं को जो है ध्यान में रखना है, उसके बारे में आपको व्याख्या करना है। तो आपको कर लेंगे खुद, ये आपका 2019 में पूछा गया प्रश्न है। और आपको अगर 80% से ऊपर नंबर लाने हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिहार DLED के जो भी प्रश्न होते हैं वो हमेशा रिपीट होते हैं और बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, बस आपको अपने लैंग्वेज में आंसर देना होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको रटकर ही आप एग्ज़ाम देने जाए तो आपका 80% अबव नंबर आ जाएंगे। आगे चलते हैं इसके 7 नंबर प्रश्न में जो है, तो 7 नंबर प्रश्न में जो है पूछा गया था कि निम्नलिखित में से जो है 2 पर टिप्पणी करें, जैसे आंकड़ों का प्रबंधन, मानक इकाई और धारिता। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ डाटा क्या होता है, या कैपेसिटी क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना था। अब हम पेपर 8 के प्रश्न को देखेंगे, जो कि 2019 में पूछे गए थे आपके प्रश्न। आपको पेपर 8 में पढ़ने हैं हिंदी के शिक्षण शास्त्र प्रथम प्राथमिक स्तर। इसमें टोटल आपके 7 प्रश्न होते हैं, 2 घंटे आपको समय मिलते हैं और आपके 35 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं और आपका 15 नंबर इंटरनल होता है। तो देख लेते हैं 2019 के एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे गए थे हिंदी में। तो आगे देखते हैं सेक्शन ए में जो है, देख लेते हैं खंड क में। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि भाषा शिक्षण में मातृभाषा का क्या महत्व है, चर्चा करें। भाषा शिक्षण में अगर बच्चे को किसी को भाषा सिखाना है तो इसके भाषा सिखाने में जो है उसकी मातृभाषा जो मदर टंग होती है उसमें कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, इसके बारे में आपको पता है कि जब बच्चा विद्यालय आने से पहले वो अपने परिवेश में, अपने घर में रहता है तो वहाँ की अपनी लैंग्वेज को सीखता है, माता पिता के भाषा को सीखता है, तो वह जो होता है उसके भावी जीवन में क्या करता है कि भाषा विकास के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है, तो इसके बारे में आप लिख लेंगे। इसी में आपको अथवा प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी भाषा शिक्षण में बिहार की बोलियाँ का क्या योगदान है। हिंदी भाषा शिक्षण में जो है बिहार की बोलियाँ का भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हर 10 किलोमीटर की दूरी पर जो है अनेक प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं। जहाँ भी आप 10 किलोमीटर की दूरी को आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है आपको भिन्न प्रकार की जो है बोलियाँ बोलने को मिलेगा, देखने को मिलेगा।
तो इसमें भी जो है बहुत सारा योगदान है। आप सेकंड प्रश्न पूछा गया था 2019 के एग्जाम में कि प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के महत्व क्या है, तो प्राथमिक शिक्षा में जो है मातृभाषा का महत्व का वर्णन करें, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चा जब अपने घर से आता है मातृभाषा को लेकर, जब आप स्कूल में उसे पढ़ाते हैं मातृभाषा में तो बच्चे को समझने में आसानी होती है, लेकिन अगर आप उसे अपने लेवल में समझाते हैं, अपने भाषा में समझाते हैं या हिंदी भाषा में, तो उसको जो है समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए जो है प्राथमिक शिक्षा में जो है ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है कि बच्चों को जो है उसके मदर टंग में जो है समझाने का प्रयास किया जाए। आगे देखते हैं, आगे जो है आपका इसी में प्रश्न पूछा गया था कि बाल साहित्य से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को बताएं। बाल साहित्य से आप क्या समझते हैं, तो बाल साहित्य का मतलब आपने जाना होगा कि बचपन में जब बच्चे होते हैं तो वो छोटे छोटे पुस्तकों जिसमें बहुत सारे के बहुत तरह के जो होते हैं फ़ोटो होते हैं, चित्र होते हैं, बहुत तरह के कार्टून होते हैं, तो वही आपका बच्चों का बाल साहित्य होता है। उसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ होती है, विभिन्न प्रकार की पशु पक्षी होते हैं, तो बच्चे जो होते हैं बाल साहित्य से जो होते हैं पढ़कर वो समझते हैं, चित्र को देखते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चे का जो भाषा विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। साथ ही साथ बच्चे को जो है पहचानने में, वर्गीकरण करने में और साथ ही साथ हिंदी के विषय के प्रति रुचिमय होने के लिए जो है बाल साहित्य जो होता है बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसका आंसर तैयार कर लेंगे। आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न जो कि 2019 में पूछा गया था, तो इसमें बोला गया था कि मौखिक भाषा को विकसित करने में उपयोगिता गतिविधियों की चर्चा करें। मौखिक भाषा को जो है आप किस गतिविधि के माध्यम से बच्चों में विकसित कर सकते हैं, तो कहानी सुनाकर, कविता गाकर, इस तरह की गतिविधियां कराकर जो है बच्चों के अंदर जो है मौखिक भाषा का विकास कर सकते हैं। आपस में 2 बच्चों से परिचय करवाएंगे, आपस में 3 बच्चों से जो है परिचय या जो भी बातचीत होगी उससे करवा सकते हैं, कंपटीशन करवा सकते हैं, तो इससे हो सकता है। तो ये सब आप करके जो है बच्चों के जो विकास होती है, जो मौखिक भाषा के विकास होती है उसको कर सकते हैं। फिर इसी में अथवा प्रश्न पूछा गया था कि भाषा विकास में कविता और बाल गीत की क्या भूमिका है, तो बच्चे जो होते हैं कविता गाकर, बाल गीत गाकर भी जो है भाषा को सीख लेते हैं, तो इसमें भी जो है काफ़ी इसकी मददगार होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि बच्चे जो होते हैं वो भाषा के साथ साथ जो होते हैं कविता, बाल गीत और बाल साहित्य के माध्यम से जो होते हैं वह हिंदी भाषा को जो है सीख लेते हैं आसानी से। इसलिए आप देखे होंगे बचपन में कि बच्चों को जो होता है ज़्यादातर कहानियाँ, कविता वाली पुस्तकें पढ़ाई जाती है विद्यालय में, ताकि बच्चे जो है कम से कम चित्र को देखकर ही तो उस विषय में रुचि ले, साथ ही साथ उसे बहुत ज़्यादा जो है सुबह शाम बहुत ही ज़्यादा कविता सुना जाता है, कविता सुनाया जाता है, तो इससे क्या होता है बच्चे कहानी भी सुनते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को जो है अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं, उसी माध्यम से बच्चों का विकास होता है। तो आप इस तरह के जो है आंसर दे सकते हैं एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न जो है 4 नंबर, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये लगातार 2 वर्षों से पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की क्या महत्व है। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम ये बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, सिलेबस और इसको बोलते हैं कैरिकुलम, जो कि बहुत ही ज़रूरत है। आप यूट्यूब पर देखेंगे या बहुत सारे गूगल पर देखेंगे तो वहाँ पर आपको बताएगा कि घोड़े का मैदान मतलब दौड़ का मैदान, तो ऐसा कुछ नहीं है। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर बहुत ज़्यादा है, आप अपना स्पष्ट करेंगे। पाठ्यचर्या मतलब कि पाठ्य पढ़ने योग्य जो चर्या होता है, और पाठ्यक्रम जो होता है किस विधि से पढ़ाया जाए, इस तरह से हो सकते हैं। आप देखकर इसका आंसर लिखेंगे, इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, इसके लिए जो होता है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का जो है निर्माण किया जाता है, किस विधि से पढ़ाया जाए, कितना पढ़ाया जाए, कितना दिन में पढ़ाया जाए, इसीलिए जो है पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न इसमें अथवा है कि सुनने और बोलने से क्या अभिप्राय है, भाषा शिक्षण में महत्व को संक्षिप्त में चर्चा करें। सुनने और बोलने से क्या अभिप्राय है, भाषा शिक्षण में महत्व को इसका संक्षिप्त में वर्णन करें। सुनने और बोलने से क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो होती है बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, कोई भी बच्चा सुनता है तो वो चीज़ को जो है अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है, और बोलता है तो बच्चे क्या होते हैं कि आपस में बात करते हैं, तो विभिन्न प्रकार की जो होती है शब्द का जो है वो चयन करते हैं, विभिन्न प्रकार की शब्द को सीख लेते हैं, उनके दिमाग में बैठ जाता है, तो वो हिंदी भाषा के प्रति सीखते हैं बहुत सारे वर्ड। आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 5वें प्रश्न में आपको है कि शुरुआती पढ़ना का चरणबद्ध प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन करें। शुरुआती पढ़ना का चरणबद्ध मतलब प्रक्रिया का वर्णन करना है कि बच्चे शुरुआती पढ़ना कैसे शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा कि बच्चे जो होते हैं शुरू में बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी गलतियों के माध्यम से जो होते हैं वो पढ़ना शुरू करते हैं। चरणबद्ध प्रक्रिया मतलब कि पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, तो इस तरह की प्रक्रिया हो सकती है। आप देख सकते हैं, आप अपने आप को जो है एक छोटे बच्चे मानकर ही सारे क्वेश्चन का जो है आंसर दे सकते हैं। आप मानेंगे कि आप बचपन में कैसे सीखे, आपको कलम पकड़ाया जा रहा था या क लिखने के लिए बताया जा रहा था, आप क्या कर रहे थे,
ओ नहीं लिखेंगे, इस तरह से मतलब रोना धोना शुरू करते थे, हाथ पकड़वा कर कोई लिखवाता था। तो इस तरह की जो गतिविधि होती है, ये जो बचपन में हरकतें आपने की है, वही सारी हरकतें को अगर आप आंसर में लिख लेते हैं आपका आंसर बेहतर हो जाएगा। कभी भी गाइड के आंसर को नहीं लिखेंगे, गाइड का आंसर जो होता है सटीक नहीं होता है, वो लेंदी होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, आप मेरी भाषा शैली पर नहीं जाएंगे। मैं बता दूं अप्रॉक्स जो है 20 मिनट से मैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूं, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़ा सा हंसी मजाक तो बनता ही है। तो आप लोग बस वीडियो को देखेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना तो आप वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और नए चैनल पर होंगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें प्रश्न है कि बच्चों के भाषा विकास में बाल साहित्य की भूमिका सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है, स्पष्ट करें। देखिए, बाल साहित्य की भूमिका तो बच्चों के विकास में काफ़ी मानी जाती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बाल साहित्य को पढ़कर देखकर वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। इसीलिए जो है बच्चों के भाषा विकास में बाल साहित्य की जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है, इसीलिए जो है आप इसको स्पष्ट करके लिख लेंगे। अगला इसमें आपका प्रश्न आ जाता है 6 नंबर दीर्घ वाले में, जिसमें 10 नंबर के प्रश्न होते हैं कि भाषा की विशेषता पर एक निबंध लिखे। भाषा की विशेषता क्या है, उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो भाषा क्या है, तो भाषा एक मीडियम है जिसके माध्यम से क्या होता है कि लोग अपने विचारों को मतलब विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। भाषा 2 प्रकार के होते हैं, कई कई बुकों में जो है भाषा आपको 3 प्रकार की मिलेगी, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। ये सभी चीज़ें जो है इसमें आ सकती है। भाषा की विशेषता क्या है, भाषा नहीं होती तो क्या हम आपसे जो है बात कर सकते, नहीं। अभी हम आपको बता रहे हैं, तो क्या आप किसके माध्यम से बता रहे हैं, भाषा के माध्यम से बता रहे हैं। तो भाषा जो है विचार विनिमय को जो है आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से जो होता है मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को जो है लिख कर बोल कर दूसरे के सामने प्रकट करता है, साथ ही साथ दूसरे के भावों को विचारों को समझता है, उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। तो इसमें विशेषता इसकी बहुत सारी है। भाषा के माध्यम से हम अपने संस्कृति सभ्यता को आदान प्रदान करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरह की बातें जो है आप इसमें लिख लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि निधों पर टिप्पणी लिखें। आपका आ गया पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक। ये तीनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक, टेक्स्ट बुक, सिलेबस और कैरिकुलम, ये तीनों महत्वपूर्ण है। रट ही लेंगे तो बेहतर होगा, ये प्रश्न आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। साथ ही आपको NCF और BCF, NCF 2005 और BCF 2008, ये 2 जो फ्रेमवर्क है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप रट लेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आप जानेंगे F9 पेपर के ऊपर। अब हम आगे जानेंगे पेपर F9 के ऊपर, जिसमें आपको इंग्लिश के बारे में जानना है। इंग्लिश आपका पेपर है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के बारे में आपको जानना है, इस पेपर का नाम है। इसमें आपका टोटल जो होते हैं 2 घंटे के समय होते हैं, 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपके जो होते हैं 35 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं। तो अब हम इसमें जानेंगे 2019 के एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न जो है पूछे गए थे, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जो कि आपको मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो प्रश्न होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और आपको एग्ज़ाम नज़दीक है, 1 महीने हैं, तो आप ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रट लेंगे, बेहतर होगा। काफ़ी सारे बच्चे ने कमेंट किया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए जो है मैं इतनी गर्मी में आप सभी लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, साथ ही साथ सारे प्रश्न को जो है मैं बता रहा हूँ, आंसर भी मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। और अगर आपने इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपको बता दूँ कि गेसिंग पेपर चल रहे हैं, गेसिंग पेपर आप कर लेते हैं तो प्रीवियस 3 वर्षों का क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ डेली बेसिस पर जो है वीडियो मिल रही है। अगर आपको नोट्स लेने हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऐसे मैं आपको बता दूँ 7903300382, आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप करके जो है सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत हो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि मुझे परेशान करेंगे। तो मैं आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, सेक्शन ए की तरफ। तो सेक्शन ए में जो है प्रश्न पूछा गया था, मैं आपको बता दूं कि इसमें भी जो है आपको हर एक प्रश्न के नीचे एक प्रश्न होगा, ताकि आपको 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को लेना होगा। 2 प्रश्न, तो इसमें से किसी एक प्रश्न को जो आता है उसको लिख लेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया था कि डिस्कस द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। मतलब आपको पूछा गया था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका नीड क्या है, उसका इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे देश में, इंडिया में। डिस्कस द नीड एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। हमारे देश में इंग्लिश का महत्व क्या है, उसका उपयोग क्या है और उसका इम्पॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि हमारे देश में जो हमारा लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज है, इसका क्या महत्व है। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ आवर कल्चर ऑफ इंडिया, सेकेंड लैंग्वेज है, और इसके माध्यम से जो है हम लोग क्या करते हैं कि एक देश से दूसरे देश में जो होता है बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए, व्यापार करने के लिए,
मास मीडिया के लिए, इंटरनेट के लिए, साथ ही साथ एजुकेशन पर्पज से बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं, बहुत सारे ऐसे आपका स्किल डेवलप के लिए जो है अदर कंट्री में अपने विचारों को विनिमय करने के लिए भी जो है हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश इज़ एन ए ग्लोबल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज। जो हमारा इंग्लिश है वो क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश हमारा क्या होता है कि पूरे देश में बोले जाते हैं, क्योंकि हर एक देश की अपनी एक भाषा होती है, लेकिन इंग्लिश जो होता है एक अपनी एक लैंग्वेज है जो कि पूरे देश में बोली जाती है। इसलिए जो है हमारे देश में, साथ ही साथ हमारे विश्व में भी जो है इंग्लिश की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में अथवा करके प्रश्न पूछा गया था कि राइट इन ब्रीफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। अब वही प्रश्न आ गया कि ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश जो है एज ए ग्लोबल लैंग्वेज क्यों है, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। हिंदी में आपको बता दूं कि व्हाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, हमारे लिए जो ग्लोबल लैंग्वेज है इम्पॉर्टेंस क्यों है इंग्लिश, इसके बारे में आपको ब्रीफ करना है। ब्रीफ मतलब व्याख्या करना है। अब हम सेकेंड प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाउ विल यू इम्प्रूव लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल इन योर स्टूडेंट, गिव सम पॉइंट। आप जो है अपने बच्चों को लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल जो है कक्षा में किस तरह से मतलब वृद्धि कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में आप कुछ पॉइंट को लिखे। आप अगर मान लें कि कक्षा कक्ष में जाते हैं और अपने बच्चों में जो है कैसे आप लिसनिंग सुनने की जो प्रवृत्ति होती है और जो बोलने की प्रवृत्ति होती है उसको कैसे विकसित करेंगे इंग्लिश में, आप मुझे बताएं। तो ये आपका प्रश्न हो गया, आप ज़रूर बता सकते हैं कि आप कक्षा कक्ष में पढ़ाने जाएंगे तो किस तरह की गतिविधि कराएंगे, किस तरह के जो है आप पढ़ाएंगे कि बच्चों को जो है बोलने के लिए सुनने का जो स्किल हो वो डेवलप हो जाए। नेक्स्ट इसी में अथवा प्रश्न है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। ये प्रश्न आप रट कर जाएंगे, नहीं तो दिमाग में जो है घुसा कर जाएंगे। कहने का अर्थ है कि यह प्रश्न जो होता है प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। आप मेरे लैंग्वेज पर नहीं जाएंगे क्योंकि मैं मदर हमेशा मैंने जो है मदर टंग में पढ़ाने का प्रयास किया है, ताकि क्या हो कि आपको मैं बता दूं कि NCF और BCF में कहा गया है कि बच्चों को जो है मदर टंग में पढ़ाए ताकि उनको दिमाग में मतलब फिट हो जाए। इसीलिए मैंने बोल दिया कि आप इस प्रश्न को दिमाग में मतलब स्टोर करके जाएंगे ताकि आपको ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, इसके बारे में आप सम रीज़न एग्जांपल के साथ आप इसका आंसर लिखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अगला प्रश्न यहाँ पर है कि व्हाट आर द रिसोर्सेज यू यूज इन क्लासरूम फॉर टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इफेक्टिवली। आप अपने इंग्लिश के कक्षा कक्ष को इफेक्टिवली बनाने के लिए किस तरह के रिसोर्सेज का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि आप अपने कक्षा में इंग्लिश पढ़ाने के दौरान अपने इंग्लिश के क्लास को, कक्षा को किस तरह से महत्वपूर्ण गुणवत्तापूर्ण कक्षा शामिल साबित कर सकते हैं, इसके लिए आप किस तरह के रिसोर्सेज का प्रयोग करेंगे। Which type of resources use in the effectively teaching classes in English? मतलब कि आप इंग्लिश को पढ़ाने के दौरान किस तरह के रिसोर्सेज का प्रयोग कर सकते हैं कक्षा कक्ष में, क्लासरूम में, ताकि आपका जो इंग्लिश पढ़ाने की जो कक्षा है वो इफेक्टिवली हो, मतलब कि बहुत ही गुणवत्तापूर्ण हो। इसी में जो है आपका अथवा प्रश्न पूछा गया था कि डिज़ाइन ए पोस्टर और थेम्स द सेव इन्वायरमेंट एंड राइट द स्लोगन ऑन इट। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इसी तरह यह प्रश्न जो है देखिए एनवायरनमेंट पर दिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अभी क्या चल रहा है, कोरोना, तो कोरोना पर आ सकता है कि डिज़ाइन ए पोस्टर ऑन देम्स थेम्स इसको बोलते हैं कोरोना एंड राइट ए स्लोगन। आपको जो है कोरोना के ऊपर एक पोस्टर बनाना है और इसमें कुछ स्लोगन को जो है आपको उसमें पुट करना है, रखना है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान समय में पिछले 2 वर्षों से जो है कोरोना चल रहे हैं और कोरोना से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग जरूर इसे देखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न में। मैं आपको बता दूं कि मेरा गला बैठ रहा है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक वीडियो में आपका F1 से लेकर F12 पेपर का सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न 2019 का बता दूं जो कि एग्जाम में पूछा गया था। 4 नंबर प्रश्न था आपका, व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग ऑफ लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन एक्सप्लेन। जो रीडिंग होता है लोकल और ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, उसका एक्सप्लेन करना है, उसका मीन क्या है, उसके बारे में आप लिखना है। और प्रश्न में आएंगे तो डिफाइन एंटोनिम, राइट द सम एंटोनिम ऑफ द फ्लोइंग। एंटोनिम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा साइनोनिम एंड एंटोनिम। एंटोनिम होता है अपोजिट और साइनोनिम होता है मिलता जुलता, सिमिलर वर्ड। तो यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल, इंक्रीज, एडवांटेज, डे, बैड। जैसे डे का क्या होता है, दिन, तो नाइट।
बैड का क्या होता है बुरा, तो गुड, ये सब क्या हो गया अपोजिट हो गया ना इसका। तो एंटोनीम आप लिख सकते हैं, एंटोनीम क्या होता है अपोजिट वर्ड होता है ना, आर्टिफिशियल का क्या होगा नेचुरल, आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो मानव द्वारा निर्मित किया जाए और नेचुरल मतलब जो प्रकृति के द्वारा निर्मित किया जाए। तो आप तो जानते ही होंगे बहुत ही, इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना, तो डिक्रीज मतलब घटना, इसका आपको एंटोनीम लिखना है। पांच एंटोनीम है, आप लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला पाँचवा प्रश्न है, डिस्कस द डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग स्किल, बच्चों में जो है राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करेंगे, ये प्रश्न पूछा गया था 2019 में, इंग्लिश में बच्चों को लिखावट के ऊपर पूछा गया था कि डिस्कस इन डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल डेवलप कैसे करेंगे, मैकेनिज्म लिखना है, क्या क्या मैकेनिज्म है राइटिंग स्किल के लिए। और इसी में प्रश्न पूछा गया था कि सम डिवाइडेड, सॉरी डिवाइडेड ईच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इन सिलेबल्स, आपने सिलेबल्स पढ़ा होगा, किसी भी चीज़ को सिलेबल, वीगन, योर सेल्फ, योर सेल्फ कितने सिलेबल, जैसे आप स्कूल पढ़े होंगे, इंपॉर्टेंस पढ़े होंगे, ये सब सिलेबल मतलब टुकड़ा होता है, इम्पॉर्टेंट, तीन यहाँ पर आ गए इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पर तीन सिलेबल है, इसको तोड़ के लिखना है आई एम, फिर सिलेबल पॉ पी ओ आर पॉट, फिर सिलेबल टेंट टी एन टी, तो यहाँ पर तीन सिलेबल आ गए। तो इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये तो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, यहाँ पर आप इस तरह से देख लेंगे, उच्चारण आपका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसी के ऊपर डिपेंड है, अगर आप प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर लेते हैं तो आप सिलेबल को निकाल सकते हैं। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है आपको सेक्शन बी में जो है आपका लॉन्ग प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपके दो प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर पहला पूछा गया था कि इलुस्ट्रेट इन डिटेल सम स्ट्रैटेजी टू डेवलप द रीडिंग स्किल इन ऑफ स्टूडेंट क्लास फोर, आपको बताना है कि कक्षा चार के स्टूडेंट के में आपको कुछ स्ट्रैटेजी डेवलप करना है कि कैसे वो रीडिंग स्किल को जो है डेवलप कर पाए, इसके ऊपर लिखना है। फिर आपका जो है सेवन नंबर प्रश्न पूछा गया था, इसमें जो है राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी टू, मतलब निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी करें, जैसे रोल ऑफ ए गुड इंग्लिश टीचर, एक अच्छा इंग्लिश टीचर का रोल क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको व्याख्या करना था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग, जो हम लोग पैराग्राफ राइटिंग लिखते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर है होमोफोन्स विथ एग्जाम्पल, होमोफोन्स विथ एग्जाम्पल के बारे में। फिर आपका ट्रेडिशनल ग्रामर एंड ग्रामर इन कंटेक्स्ट, इसके बारे में आपको लिखना था। तो यह आपका पेपर जो है इंग्लिश का पेपर ख़त्म हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें जानेंगे पेपर F10, जिसमें आपको पढ़ना है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र के बारे में। ये आपका F10 पेपर है, इसमें आपका 2 घंटा का एग्ज़ाम होता है, 35 नंबर का एग्ज़ाम होता है, टोटल आपका 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था कि पर्यावरण की अवधारणा को स्पष्ट करें, मतलब कि इन्वायरमेंट क्या है, उसका महत्व, उसका प्रकृति, उसका अवधारणा क्या है, उसके बारे में आपको स्पष्ट करना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार भी आ सकता है, आप जरूर इसे देखेंगे। इसी में आपका 8वां प्रश्न था कि मानवीय व्यवहार समाज एवं प्रकृति, सॉरी पर्यावरण के किन प्रकार को प्रभावित करता है, जो मानव का व्यवहार है, जो हम लोगों का व्यवहार है, वह पर्यावरण को जो है किस प्रकार प्रभावित करता है। तो अगर हम प्रकृति के साथ या पर्यावरण के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो क्या होगा, पर्यावरण हमारा इफेक्ट होगा, तो बहुत सारे चीज़ें हो सकती है, कोई भी कूड़ा कचरा हम लोग फेंक देते हैं, पेड़ काट रहे हैं, पेड़ नहीं लगाते हैं, तो इससे क्या हो रहा है ना कि जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा प्रकृति है, वो इफेक्ट हो रहा है, तो हम ही लोगों के कारण ना हो रहा है ना। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। सेकेंड प्रश्न यहाँ पर है, बालक के विकास पर परिवेश का क्या प्रभाव पड़ता है, बालक के विकास पर परिवेश का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर आपको बताना है। तो आप समझ गए, बालक के विकास पर परिवेश का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है, अगर बालक के बगल में परिवेश अच्छा हो तो बालक के ऊपर परिवेश का अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर बालक के बगल में परिवेश गंदा हो तो बच्चों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं ना। अगले प्रश्न को देखते हैं, इसी में आपका 8वां प्रश्न है कि बच्चों के परिवेश में विविधताओं की समझ एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है, बच्चों के परिवेश में विविधता की समझ एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे, ये भी प्रश्न पूछा गया था। आपका 3 नंबर प्रश्न है, सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं, सर्वे किसी प्रकार के हम लोग जो सर्वे करते हैं वो क्यों करते हैं, किसी डाटा को एनालाइज करने के लिए, किसी काम को जो है देखने के लिए कि क्या मैंने इस काम को लागू किया तो क्या यह काम कितना सक्षम है। अगर हम पर्यावरण बचाव अभियान शुरू करते हैं तो क्या वो ज़मीनी हकीकत पर सही है कि नहीं है, इसीलिए तो हम लोग सर्वे करते हैं। और बहुत सारे सर्वे होते हैं, जनगणना देख ले आप, बाल विवाह के सर्वे होते हैं, ये सब बहुत सारे सर्वे जो है होते हैं। तो इस तरह से जो है सर्वे हम लोग क्यों समझते हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं।
इसी में आपका आठवां प्रश्न है कि शिक्षक को प्रोजेक्ट विधि की विशेषता को बताना है। शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि की विशेषता बताएं, शिक्षण के प्रोजेक्ट विधि को बताना है। किसी चीज़ को हम लोग जब पढ़ाते हैं तो उसमें जो है हम लोग प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या होगा कि चित्र को देखकर बच्चे आसानी से समझ जाएंगे, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है। मेरी बात आप समझ गए। अगले प्रश्न देखते हैं, गतिविधि किसे कहते हैं? कक्षा के बाहर जाने वाली सभी किसी एक गतिविधि का उल्लेख करें। गतिविधि किसे कहते हैं? आपको पता होगा गतिविधि के माध्यम से बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, साथ ही साथ जो है कक्षा के बाहर किस तरह की गतिविधि करा सकते हैं उसमें से जो है एक गतिविधि का जो है आपको बारे में लिखना है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालें। पर्यावरण के बचाव में शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है, इसके बारे में जो है आपको प्रकाश डालना है। 2019 में प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे आपका पांचवा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में आकलन करने के मूलभूत तरीकों पर प्रकाश डालें। पर्यावरण अध्ययन में आकलन करने के मूलभूत तरीकों पर प्रकाश डालना है, आप इसको कर लेंगे। आपका इसके बाद जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता करें। आपको मालूम है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? सतत मतलब जो कि लगातार चलता है और व्यापक मतलब कि जो कि बड़ा स्तर पर किया जाता है। व्यापक मूल्यांकन कहने का अर्थ है कि जिसमें भावनात्मक चारित्रिक सभी मतलब सर्वांगीण विकास कह सकते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो आपको ख नंबर सेक्शन में पूछा गया प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र में उपयुक्त होने वाले शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी है, किसी एक विधि का महत्व को प्रकाश डालते हुए उसके बारे में व्याख्या करें। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र को पढ़ाने के दौरान किस किस तरह की गतिविधियों का जो है आप प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है, कि नहीं एक गतिविधियों के बारे में जो है आपको प्रकाश डालना है। नेक्स्ट आपका सातवां प्रश्न है, किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखें। निम्नलिखित में से जो है किन्हीं दो पर आपको टिप्पणी लिखना है, जैसे कि NCF 2005, शिक्षा में नवाचार, जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण पर प्रभाव। तो आप सभी को मैं बता दूं कि NCF 2005, BCF 2008, शिक्षा में नवाचार और जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण पर निम्न प्रकार की प्रभाव हो सकते हैं। आपको पता है कि जनसंख्या वृद्धि से क्या होता है कि पर्यावरण पर निम्न प्रकार के प्रभाव, जब जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी तो पर्यावरण में जो है असंतुलन हो जाएगा, उतना जो है सक्षम में नहीं मिल पाएंगे, तो इस तरह से जो भी होती है ना वो प्रभाव कर सकता है, तो आप देख ले। आगे बढ़ते हैं अब हम पेपर 11 की तरफ। मैं आपको बता दूं काफ़ी लंबा वीडियो बन रहा है, आप ज़रूर देखेंगे। पेपर F11 में देख लेते हैं आपको। पेपर F11 में जो आपको पढ़ना है कला समेकित शिक्षा के बारे में, इसमें भी जो होता है आपका 40 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 2 घंटे समय मिलते हैं, टोटल आपका 8 प्रश्न होते हैं, तो देख लेते हैं कि कर। सेक्शन ए में देखिए कि पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया था 2019 में कि कला शिक्षा की अवधारणा एवं महत्व के बारे में बताएं। कला शिक्षा के अवधारणा एवं उसके महत्व के बारे में आप बताएं। इसी में आपको अथवा प्रश्न पूछा गया था कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए कला समेकित शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए कला समेकित शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, इसका आंसर ढूंढेंगे। प्रारंभिक कक्षा में शिक्षण में कला की उपयोगिता के क्या क्या करेंगे। प्रारंभिक कक्षा में शिक्षण में मतलब जो प्रारंभिक कक्षा शिक्षण होगा उसमें कला के उपयोग के लिए आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों को जो है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको पढ़ाना है तो कला का प्रयोग करके जो है पढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे जो है पढ़ने में रुचि लेंगे और आसानी से जो है बच्चे समझेंगे। इसीलिए जो है प्रारंभिक कक्षा में जो होते हैं बच्चों को कला समेकित शिक्षा को शामिल करके कला के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अथवा प्रश्न है इसी में, कला समेकित शिक्षा आधारित सीखने की योजना एक के सार्थक प्रयास हो सकता है कैसे। सार्थक प्रयास हो सकता है कला समेकित शिक्षा जो है सीखने की योजना में जो है सार्थक शामिल हो सकता है या सार्थक प्रयास हो सकता है। बच्चे क्या होते हैं कि कला को देखकर रुचिमय लेते हैं, आनंदमय होते हैं, इससे क्या होते हैं वो आसानी से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो ये ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि आपको अगर लगता है कि मैं हिंदी कहीं गलती पढ़ रहा हूं तो आप मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि मैं बता दूं काफ़ी लंबे समय होंगे, 20 मिनट से मैं बोल रहा हूं, 20 के 30 मिनट होने वाले होंगे, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और 30 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, गला भी बैठ रहा है, तो थोड़ी हड़बड़ी में बोल रहा हूँ, आप समझ लेंगे। क्वेश्चन आपको तो स्क्रीन पर दिख ही रहा है, आप समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो अगला 3 नंबर प्रश्न यहाँ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के किसी एक पाठ का उदाहरण देकर बताएं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रदर्शन कला के किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है।
आपको जो है पर्यावरण अध्ययन के किसी एक पाठ का जो है उदाहरण देकर आपको बताना है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो कि आपका होता है लर्निंग मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं TLM या जो जिसे हम लोग बोलते हैं लर्निंग प्लान, तो उसमें क्या होता है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो है आप किस तरह के प्रदर्शन कला का जो है प्रयोग कर सकते हैं पर्यावरण अध्ययन के विषय को पढ़ाने में, तो बहुत सारे कर सकते हैं ना। जैसे मान लें कि रियल में आप पेड़ पौधा लेकर सामने चले आए, अगर बच्चे को पर्यावरण अध्ययन में पेड़ के बारे में बताना है तो आप 10-12 पेड़ को कच्छा कच्छ में लेकर चले आए, प्रदर्शन कला हो गया आपका, दिखाए कि बाबू ये देखो ये कमल का फूल का पेड़, ये गुलाब का फूल का पेड़, ये आम का पेड़, ये लीची का पेड़, तो ये क्या हो गया आपका प्रदर्शन कला हो गया ना बाबू, आप समझ रहे होंगे ना। आगे देखते हैं इसी में अथवा प्रश्न है आपको, हिंदी के किस एक पाठ का उदाहरण देकर बताएं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रदर्शन कला के किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। तो हिंदी के बारे में अब आ गया ना आपको, तो हिंदी में आपको मैं बता दूँ तरह तरह के घर के बारे में पढ़ाना हो तो आप तो घर ला नहीं सकते हैं, लेकिन आप अगर कक्षा 3 में हैं और कक्षा 3 में है तो वहाँ पर एक हिंदी का चैप्टर है पत्ता हूँ मैं हरा हरा, तो वहाँ पर क्या करें कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे का जो है पत्ता तोड़ कर ला दे और सामने दिखा दे कि देखो बाबू ये गुलाब का पत्ता, ये कमल का पत्ता, ये आम का पत्ता, ये लीची का पत्ता, तो ये क्या होगा प्रदर्शन कला होगा ना, पत्ता हूँ मैं हरा हरा, तो दिखा सकते हैं, ये चैप्टर आपको मिलेगा वहाँ पर, तो आप इसको दिखा कर क्या कर सकते हैं ना प्रदर्शन कर, प्रदर्शन मतलब क्या करना, मतलब किसी के सामने प्रदर्शन दिखाना, डांस करना, नाटक करना, ये भी सब प्रदर्शन कला ही है, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। आप डांस करते हैं तो बेहतर है, डांस करना, नाटक करना, रोना, हंसना, ये सब प्रदर्शन है, किसी के सामने दिखाते हैं, हम रो कर दिखाते हैं, हंस कर दिखाते हैं, तो ये सब प्रदर्शन है, तो आप कर सकते हैं इस तरह के आंसर का आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। 4 प्रश्न है, कला शिक्षा में मूल्यांकन के विभिन्न उपागम तथा तरीकों के बारे में लिखे। कला समेकित शिक्षा जो है, कला शिक्षा जो है उसमें आप मूल्यांकन के विभिन्न जो उपागम है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी में अथवा प्रश्न है आपका कि कला शिक्षा के संकेतक आधारित मूल्यांकन क्या है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। कला शिक्षा में संकेतक आधारित मूल्यांकन क्या है इसको आपको स्पष्ट करना है, कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न को, अगला प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, दृश्य कला की अवधारणा शिक्षा में कैसे है या क्यों है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप कर सकते हैं कि दृश्य कला की आवश्यकता क्या है और शिक्षा में कैसे है, आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसका आंसर कि दृश्य कला क्यों उपयोगी है। बच्चे दृश्य के माध्यम से जो है बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, दृश्य कला के माध्यम से जो है कठिन से कठिन गणित के समीकरण, कठिन से कठिन विषय के समीकरण, कठिन से कठिन विषय के शब्दों को, विषय के भावार्थ को समझ सकते हैं देखकर, दृश्य कला के माध्यम से दिखाओ। आगे बढ़ते हैं, अथवा प्रश्न इसी में दिया गया है कि दृश्य कला के विभिन्न प्रकार का उदाहरण सहित वर्णन करें। दृश्य कला के विभिन्न प्रकार का जो है उदाहरण सहित जो है आपको स्पष्ट करना है। दृश्य कला मतलब कि नाटक, डांस, किसी चीज़ को सामने कर दिखाना, ये आपका दृश्य कला हो गया। किसी मॉडल को दिखाना, ये सब दृश्य कला हो गया, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। 6 प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के बच्चों को फोटोफोलिया कैसे तैयार करेंगे, बच्चों के सतत विकास के इनका क्या योगदान रहेगा। देखिए फोटोफोलिया जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें बच्चों के विकास के बारे में, पोर्टफोलियो इसमें बच्चों के विकास के बारे में लिखा जाता है, इसके बारे में ब्यौरा मतलब इसके एक डाटा एनालाइज किया जाता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पता चलता है कि बच्चा का जो है कौन सा पक्ष कमजोर है, क्या कमी है, क्या रह गई, सुधार करो, आपने देखा होगा, तो उसमें आप लिख सकते हैं, ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी माथवा प्रश्न पूछा गया था कि संगीत में गायनवाद से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार के बारे में वर्णन करें। संगीत में गायनवाद क्या होते हैं, इसके प्रकार के बारे में आपको वर्णन करना है। हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ जिसमें आपको 2 प्रश्न मिलते हैं। पहला है प्रदर्शन कला के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। प्रदर्शन करना कला, डांस करना, रोना धोना, हंसना गाना, ये सभी जो है प्रदर्शन कला है। प्रदर्शन मतलब कि हम कोई जो है शारीरिक ढंग से या किसी भी एक्टिविटी के माध्यम से जो हम प्रदर्शन करते हैं दूसरे के सामने, व्यक्त करते हैं, वही हमारा प्रदर्शन कला है। तो बहुत तरह हो सकते हैं, नाटक करना, डांस करना, रोना, हंसना, खेलना, कूदना, कि दिखाना मतलब दूसरे को कर, तो ये आपका प्रदर्शन कला है। नेक्स्ट आपका 8 है कि नहीं 2 पर संक्षिप्त वर्णन करें, मुखौटा, दृश्य कला, प्रदर्शन कला और पुतली। तो आप कर सकते हैं, मुखौटा बनाने की प्रक्रिया क्या है आपको पता है, मुखौटा क्या होता है कि मतलब एक प्रकार का जो है किसी भी हम विभिन्न प्रकार के जानवर, पशु पक्षी के जो है चित्र बनाकर अपने चेहरे पर पहनते हैं, उसी को हम लोग मुखौटा कहते हैं।
आगे चलते हैं। अब मेरा लास्ट पेपर है जो कि आपको पढ़ना है, F12, जिसमें शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी पढ़ना है। तो आगे चलते हैं, पेपर नंबर 2 देख लेते हैं, शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी। इसमें भी जो है आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, टोटल आपका 40 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 8-9 प्रश्न होते हैं, देख लेते हैं। और ये आपका जो है इस वीडियो के माध्यम से, मैंने एक वीडियो में जो है पूरे आपके F1 से लेकर F12 के प्रश्न को बताया 2019 के, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इसको देख लेंगे। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मुझे प्रश्न क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, तो मैंने इस वीडियो को बनाया। आप लोग जरूर इस वीडियो को प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर जुड़ेंगे। देखिए खंड क में प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पर शॉर्ट प्रश्न हम लोग जिसे बोलते हैं, जो कि आपको 75 से 100 वर्ड में लिखना होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको 75 से 100 वर्ड आंसर नहीं देना है, बल्कि उससे ज़्यादा देना है। कम से कम आपको 2 से 2.5 पेज इसका आंसर देना है शॉर्ट का। लॉन्ग का प्रयास करेंगे 3 से 3.5 पेज देने का आंसर, तभी जो है आपको नंबर मिलेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर है, शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी की अवधारणा को स्पष्ट करें। देखिए शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी की अवधारणा को स्पष्ट करना है। कैसे? आपको पता है कि आधुनिक शिक्षा है, जो वर्तमान समय की शिक्षा है, इसमें जो हमारा ICT की रोल है काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। हम लोग जो है कंप्यूटर के आने से, शिक्षा में सूचना के संचार के आने से जो है हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है आसानी से सीख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कामों को जो है आसानी से कर पा रहे हैं। जैसे कि डाटा एनालाइज करना, रिपोर्ट बनाना, बच्चों का पोर्टफोलियो तैयार करना, या रिज़ल्ट बनाना, या एक जगह से दूसरे जगह हम ईमेल भेज सकते हैं, किसी तरह की नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी सूचना को जो है देना हो बच्चों को तो आसानी से मोबाइल के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं। तो ये सब जो है सूचना एवं संचार तकनीकी का जो है वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा योगदान रह गया है हमारे शिक्षा में। अब हम घर पर बैठे बैठे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, विदेश के एजुकेशन को जो है अपने हम घर में बैठ कर एजुकेशन ले सकते हैं। ये सभी हमारे ICT की मदद से हुआ है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, और इसी के माध्यम से हमारा शिक्षा भी जो है आगे गया है और हमारा देश भी आगे जा रहा है। नेक्स्ट इसी में अथवा प्रश्न पूछा गया था कि सूचना एवं संचार तकनीकी के विभिन्न उपकरणों पर प्रकाश डालें। विभिन्न उपकरणों कहने का अर्थ है कि जो कि उपकरण मतलब क्या, वस्तु, जैसे कि कंप्यूटर हो गए, मॉनिटर हो गए, CPU हो गए, कीबोर्ड हो गए, आपके जॉयस्टिक हो गए, मोबाइल फ़ोन हो गए, इंटरनेट हो गए, ये सभी जो है इसके उपागम है। रेडियो हो गए, टेलीविज़न हो गए, ये सभी से हम लोग शिक्षा ले सकते हैं। सूचना एवं संचार तकनीक मतलब कि ऐसे चीज़ जिससे हमें किसी प्रकार की सूचना मिले, संचार मिले, तकनीक मिले। अब एक और प्रश्न आता है कि सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है, तो ये भी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूचना जो होता है ना, कुछ थोड़े समय के लिए होता है। आपको सूचना किसी, जैसे माने कि आज उत्तर प्रदेश में झगड़ा हुआ, तो ये क्या हो गया कि सूचना हो गया। लेकिन यही जानकारी अगर आपको ज्ञान क्या होता है कि जैसे आज देखिए, ज्ञान कहने का अर्थ है कि मालूम करे कि आज उत्तर प्रदेश में भगवान शिव का साक्षात प्रदर्शन या साक्षात उनका कुछ दृश्य दिखा, तो ये क्या हो, एक प्रकार का ज्ञान हो गया, वो हम अमर हो जाएगा। लेकिन सूचना कुछ समय के लिए होता है ना। सूचना कहने का अर्थ है कि जैसे आप जो न्यूज देखते हैं वही आपका सूचना है, ज्ञान न्यूज नहीं होता है। जैसे कि अगर गांधी जी ने कह दिया कि करो या मरो, डू एंड डाई, तो ये क्या हो गया, उन्होंने बताया तो वो अमर है, वो एक दिन के लिए सूचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें प्रश्न है, दूर स्तर शिक्षा में ICT उपकरणों की प्रभावकारी बदलाव लाएं कैसे। ICT डिवाइस का जो है उसका प्रभावी बदलाव कैसे लाएंगे, इसके बारे में आपको बताना है, बता देंगे आप। नेक्स्ट आपका 3 नंबर प्रश्न है, आप देख लेंगे, मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय हो गया, गर्मी ज़्यादा है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे ही मजाक में कि आप बता देंगे, इग्नोर करेंगे इस भाषा को। बताने के कहने का अर्थ है कि आप लोग अपना आंसर ढूंढ लेंगे। आंसर मैं पूरा प्रयास करूँगा नेक्स्ट वीक से कराने के लिए, तब तक पहले आपको क्वेश्चन की ज़रूरत है ना, क्वेश्चन देख ले। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता दूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, फिर भी मैं आप सभी लोगों के लिए मदद मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। देखिए, दूर स्तर शिक्षा में ICT उपकरण की प्रभावकारी बदलाव लाएँ, मतलब कहने का अर्थ है कि जो TV रेडियो जो होता है, मतलब कैसे ICT के जो भी डिवाइस होते हैं, तो प्रभावकारी कैसे बदलाव लाएंगे। नेक्स्ट इसमें अथवा प्रश्न है कि TV और रेडियो पर कौन कौन से प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण होता है। अभी नहीं होता है, अभी भी जो है बहुत कम होते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूँ प्रीवियस आज से अगर 5-10 साल पहले चले जाते हैं तो टेलीविज़न और रेडियो पर विभिन्न प्रकार के जो है शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाते थे, जिसके माध्यम से जो है बच्चों को, बुजुर्गों को, ग्रामीण लोगों को बहुत सारे शिक्षा की बातें दी जाती थी,
जो कि आज से 10 साल पहले होती थी, लेकिन आज वर्तमान समय में ऐसी जो चीज़ें हैं वो खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि आज स्मार्टफोन आ गए हैं। सभी लोग जो है स्मार्टफोन के माध्यम से घर बैठे कहीं भी जंगल मंगल कहीं भी कर लेते हैं, कहीं भी कुछ पढ़ लेते हैं। तो ये जो है हमारे बदलाव आया है, आधुनिकीकरण के कारण बदलाव आया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर का प्रयोग उल्लेख करें। शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर के प्रयोग का उल्लेख करें। कंप्यूटर का प्रयोग हमारे शिक्षण अधिगम में किस प्रकार है? कंप्यूटर का प्रयोग हम बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे कि हम लोग PPT बनाने के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वर्ड बनाने के लिए, बच्चों का डॉक्यूमेंट रखने के लिए, एडमिशन प्रक्रिया की जाँच रखने के लिए, ब्यौरा रखने के लिए, बहुत सारी गतिविधियाँ हैं जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अथवा प्रश्न है, कंप्यूटर की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या है उसके बारे में आपको बताना है। 4 नंबर प्रश्न है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की व्याख्या करें। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी व्याख्या करना है, आप इसको बता लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट आपका इसी में अथवा प्रश्न है, मोबाइल के प्रयोग से हम शिक्षण अधिगम को कैसे रोचक बना सकते हैं। मोबाइल का प्रयोग से जो है हम लोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जो है या शिक्षण अधिगम को किस तरह से रोचक बना सकते हैं, आपको पता है कि हम लोग मोबाइल के माध्यम से कहीं भी बैठकर आसानी से एजुकेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है व्याख्या करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है व्याख्या करें। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको कर लेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर इसे करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं 6 नंबर प्रश्न में, तो इसी में जो है आपको शिक्षण अधिगम शब्द सॉफ्टवेयर की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। नेक्स्ट है 6 नंबर, कक्षा आधारित शिक्षण अधिगम में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का प्रयोग कैसे करें। जो स्प्रेडशीट जिसमें जो है बच्चों का एग्ज़ाम का रिजल्ट तैयार किया जाता है या डाटा एनालाइज किया जाता है, इसका महत्व क्या है शिक्षा में, उसके बारे में आप लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न इसी में जो है इसका अथवा प्रश्न है कि विद्यालय के उन कार्यों की सूची बनाएं जहां स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है। निम्न प्रकार के कर सकते हैं, स्प्रेडशीट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बच्चों का डाटा बनाने के लिए, बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, विद्यालय में किसी भी चीज़ का आदान प्रदान होती है, पुस्तकों की ब्यौरा बनाने के लिए, रिजल्ट बनाने के लिए, बच्चों का नाम बनाने के लिए या फी रिसिप्ट बनाने के लिए, ये सभी गतिविधियों में जो है स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है अब हम लोग इस वीडियो को अंत करेंगे, मात्र 1 मिनट में जो है ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। सेक्शन आप बी में आ गए हैं, काफ़ी लंबा समय वीडियो बनेगा, आप लोग जरूर इस वीडियो को प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न बोला गया था कि ई लर्निंग क्या है, ई लर्निंग की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। ई लर्निंग क्या है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्हाट इज ई लर्निंग, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ई लर्निंग इन एजुकेशन। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ईमेल क्या है और ईमेल नया खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है। तो नया खाता, जैसे कि आप मोबाइल में नया ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं, उसी प्रक्रिया को जो है आप वहाँ लिख देंगे। और ईमेल क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब कम्युनिकेशन माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक क्या, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि हम लोग घर बैठे देश विदेश के कहीं भी भेज सकते हैं नेट की सहायता से, तो यही हमारा ईमेल होता है। अगला जो आपका प्रश्न है 9 नंबर, इसमें आपको लिखना है कि नहीं दो पर जो है टिप्पणी करें, जैसे कि हार्ड डिस्क, मॉनिटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आशा करता हूँ कि आपको जो है 2019 के सभी प्रश्न मिल गए होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you so much.